ताजा तरीन सच्ची और प्रमाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS Now। उत्तर प्रदेश के सम्मानित शिक्षा मित्र भाई बहनों, मैं रविंद्र सिंह, श्री राजूदास शिक्षा मित्र उत्थान मंच प्रदेश अध्यक्ष। साथियों, आज मैं पुनः अपने ऑडियो के माध्यम से आज दिनांक 26/10/2021 को अपने ऑडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में आया हूं। साथियों, लगातार सोशल मीडिया पे अफवाहों का दौर जारी है, तो साथियों मैं बता देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के अपने एक एक शिक्षा मित्र भाई बहन से कि आदरणीय महात्मा जी ने जिस कार्य का बीड़ा उठाया है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। आप लोग धैर्य बनाए रखें, हमारी टीम लगातार आदरणीय महात्मा जी के निर्देशन में कार्य कर रही है और आप निश्चित ही सफलता की ओर जा रहे हैं। साथियों, धैर्य की आवश्यकता है। कुछ लोग जिनका मकसद ही लोगों को सिर्फ गुमराह करना है, वो गुमराह करने का कार्य करेंगे, लेकिन आपको हमारी टीम विश्वास दिलाती है कि आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व में आपका मान सम्मान, आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपको मिलने जा रहा है। आप लोग धैर्य बनाए रखें, कार्य भी सामने आएगा। और जिन लोगों ने अनर्गल रूप से हमारी टीम पर, आदरणीय महात्मा जी पर कीचड़ उछालने का कार्य किया है, उनको जवाब देने का भी समय नजदीक आ रहा है। आप लोग धैर्य रखिए, परेशान मत होइए। सच्चाई से लड़ी गई लड़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है। हमारी टीम ने निस्वार्थ भावना से उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र भाई बहन के भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित करने के उद्देश्य से आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व में जिस मिशन का बीड़ा उठाया है, निश्चित रूप से वो कामयाब होगा। आप लोग परेशान मत हो, धैर्य बनाए रखें, वो समय भी जल्द आने जा रहा है। साथियों, कुछ लोग जो सिर्फ व्हाट्सएप के योद्धा है, ट्विटर के योद्धा है, जो लगातार आदरणीय महात्मा जी को, हमारी टीम को लगातार अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारी टीम आपकी गीदड़ भक्तियों से डरने वाली नहीं है। और हम लोग जिस लक्ष्य को लेकर के निकल पड़ते हैं, जब तक उसमें फतेह हासिल नहीं कर लेते, साथियों हमारी टीम पीछे हटने वाली नहीं है। आप लोग धैर्य बनाए रखें। मैं अपने उत्तर प्रदेश के 75 जनपद के जिला अध्यक्षों को भी आगाह कर देना चाहता हूं कि साथियों, जो भी जिला अध्यक्ष या जिन्होंने हमारी टीम के प्रति अपना समर्पण किया है, जिन्होंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य किया है, ऐसे शाबाश साथियों से कहना चाहता हूं, धैर्य बनाए रखें, वो समय भी आने वाला है, वो मंजर भी आने वाला है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी नेता हैं जिन्होंने सिर्फ शिक्षा मित्र समाज को गुमराह करने का कार्य किया है, उनके मुंह पे जोरदार तमाचा पड़ने का समय नजदीक आ रहा है। और साथियों मैं बता देना चाहता हूं, कुछ हमारे जनपद ऐसे हैं जहां पर रसीद के माध्यम से सहयोग ना लेकर के रजिस्टर पर या ऐसे वसूली की गई है। ऐसे जनपद बिजनौर, जहां से भी एक भी रुपए का सहयोग वहां से नहीं प्राप्त हुआ है, वहां के साथी जा करके अपना एक एक पैसा जनपद बिजनौर के जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे लेने का कार्य करें। और दूसरा जनपद हमारा बस्ती है, जहां पे हमारे जिला अध्यक्ष ने रसीद के माध्यम से सहयोग लिया है, उनको छोड़ करके जिन्होंने बगैर रसीद के सहयोग लेने का कार्य किया है, ऐसे लोगों से वहां के शिक्षा मित्र भाई बहन जा करके अपना एक एक पैसा वसूलने का कार्य करें।
साथियों बड़ा दुख होता है कि शिक्षा मित्र को शिक्षा मित्र ही लूटने का कार्य करता है। ऐसे दलाल जो अवसर की ताक में रहते हैं कि कौन सा मौका आए और ये आपका खून पीने का कार्य करते हैं। ऐसे जिलाध्यक्ष जिन्होंने पैसा वसूल करके चुपचाप एक बहानाबाजी कर करके बैठे हुए हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि पैसा ब्लॉक अध्यक्ष के पास है। इसका अगर एक एक पैसा आपने अगर प्रदेश कार्यकारिणी को नहीं पहुंचाया है तो आपका दायित्व तो है कि एक एक शिक्षा मित्र भाई बहन को उसका पैसा ससम्मान वापस कर दीजिए। अन्यथा की स्थिति में आप लोग भी उतने बड़े दोषी होंगे। आप भी वही कार्य कर रहे हैं जो पूर्व के संगठनों के लोगों के द्वारा किया गया है। आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व में जिस विशालकाय महायज्ञ का आयोजन होना है उसकी तारीख बड़ी है, कार्यक्रम नहीं रद्द हुआ है। इसलिए मैं बता देना चाहता हूं कि आपके मेहनत से कमाए गए एक एक पैसे का सदुपयोग इस कार्यक्रम में किया जाएगा। आप लोग धैर्य बनाए रखें और जो लोग जिन्होंने आपको लूटा है, गुमराह किया है, ऐसे लोगों से अपना एक एक पैसा वसूल करने का कार्य कीजिए। मैं पूरा बता देना चाहता हूं, जनपद बिजनौर जहां से बहुत पैसा वसूला गया है लेकिन एक भी पैसा कहीं भी नहीं पहुंचाया गया है। जनपद बिजनौर के सभी साथी बिजनौर के साथियों से एक एक पैसा अपना वापस ले ले। और जनपद बस्ती में बहुत बड़े पैमाने पर पैसा वसूली की गई है। यदि हमारी जिला अध्यक्ष के द्वारा रसीद पर सहयोग लिया गया है तो उसको छोड़ करके जिन्होंने बगैर रसीद के पैसा वसूला है उन साथियों से जा करके अपना एक एक पैसा वसूलने का कार्य करें। साथियों हमारी टीम ने पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ कार्य किया है। हम किसी को बख्शने वाले नहीं है। हम उन जनपदों का मूल्यांकन कर रहे हैं जहां पे बड़े पैमाने पर पैसा इकट्ठा करके चोरी करने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे लोगों को अपने ऑडियो और वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराता रहूंगा। आप लोग अपने पैसे को उन लोगों से जाकर के प्राप्त करने का कार्य कीजिए। जो लोग जिनका एक मकसद होता है सिर्फ पैसा लूटना, ऐसे लोग समाज में बहुत हैं जो लगातार शिक्षा मित्र समाज को दीमक की तरह नोचने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों को अपना पैसा वापस लेकर उनके मुंह पे जोरदार तमाचा जड़ने का कार्य कीजिए। और साथियों मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व में ही आप लोगों का मान सम्मान आपको मिलेगा। जितने लोग आपको गुमराह कर रहे हैं उनकी बातों में ना करके, कोई गलत बयानबाजी ना करके आदरणीय महात्मा जी पे विश्वास रखिए। उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र भाई बहन की खुशियां जल्द उसके घरों में भेजने का कार्य राजू दास उत्थान मंच की टीम करेगी। और जो लोग अनर्गल रूप से आरोप लगाते हैं, करते कुछ नहीं है, जब भी कोई कार्य करने के लिए आगे आता है तो सिर्फ उसकी टांग खींचने का कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को भी समय पर जवाब दिया जाएगा। आप लोग धैर्य रखिए, आपका कार्य होगा, आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व होगा और बहुत जल्द सामने आने जा रहा है। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य किया जाएगा। धन्यवाद। मैं रविंद्र सिंह, श्री राजू दास शिक्षा मित्र उत्थान मंच प्रदेश अध्यक्ष।